कांग्रेस नेता और ग्वालियर चंबल के प्रभारी अजय सिंह राहुल ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिस तरह से कर्नाटक में आम लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वैमनस्यता को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को समर्थन दिया है, इसी का दोहराव इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर पूर्व में गए हैं उन्हें दोबारा पार्टी में लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें टिकट की गारंटी पर नहीं लिया जाएगा। इस बार कांग्रेस पार्टी सोच समझकर जीतने योग्य उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके मित्र हैं, इसलिए वह एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जाए। उन्होंने अपने संबंध केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, अरुण जेटली, कैलाश विजयवर्गीय से भी बताए। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संबंध अलग बात होती है, राजनीतिक विचारधारा अलग होती है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाने वाले लोगों को प्रायश्चित के रूप में वापस लिया जा सकता है, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं ले सकते हैं। सुनो, 1985 से विधायक नरोत्तम मिश्रा से आप खुद पूछ लीजिएगा कि जब वो पहली बार विधायक बने थे तो मेरे पास आए थे कि नहीं आए थे कि मुझे कुछ सिखा दो राजनीति, विधानसभा में क्या पूछना पड़ता है। भैया मेरे संबंध ऐसे हैं, अब वो व्यक्तिगत हैं, यदि कोई राजनीतिक रूप से ना देखा जाए, मैं शिवराज सिंह जी के यहाँ भी जाता हूँ, नरोत्तम मिश्रा के यहाँ, नरेंद्र सिंह तोमर भी हमारे दोस्त हैं। तो भाई ये राजनीति में मैं उस पीढ़ी का हूँ जहाँ पर राजनीति अलग है और संबंध अलग है व्यक्तिगत। इसमें आप लोग जोड़ा फोड़ा मत करिए कि साहब आप उनके यहाँ गए कि किसके यहाँ गए। चल चुकी है जो खबर है, चल चुकी है भोपाल की। अपन तो कुछ कैलाश भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अरुण जेटली मेरे साथ पढ़ा है, अब आज नहीं है। मैं उनके यहाँ गडकरी जी के यहाँ चला गया था, हाँ वेंकैया नायडू के यहाँ नाश्ता करने चला गया था उस जमाने में 2009 में कि भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भैया संबंध 2004 में 20 साल पहले, भैया ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत संबंध मेरे सबसे अच्छे और मेरे पिताजी की राजनीति मैंने सीखी है कि भाई कटुता नहीं होनी चाहिए दूसरे पार्टी वाले के साथ भी, वो फॉलो करता हूँ। बीजेपी 200 पार का नारा लगा रही है, कौन से कितने का नारा? बीजेपी यदि 90 पार कर लाए तब हमसे बात करना पाए, नवंबर महीने में जब चुनाव हो जाए। आप भी प्रतिपक्ष नेता रहे, आप तो खुद रहे, मैं तो आप भी कहीं ना कहीं चुनाव से लड़ने की इच्छा लड़ेंगे कि नहीं? देखिए मैं तो 6 बार लगातार चुरहट से विधायक था, पिछली बार सरकार बनाने के चक्कर में हार गया, इस बार फिर से वहीं से लड़ूंगा और जीतूंगा। मतलब अपनी विधानसभा पे ध्यान नहीं दे पाए थे उससे? स्वाभाविक है भाई, सरकार बनाना पहला लक्ष्य था, सरकार भी बना दी, पर अब खुद ही गड़बड़ हो गई तो क्या करा जाए। आपकी एक ही विधानसभा में चार दावेदार रहे, अभी उनको टिकट नहीं मिलता, वो विरोध जताते हैं, क्या करेंगे? हमारी डैमेज कंट्रोल टीम रहेगी जो सबको मनाएगी, उसमें हमारे ख्याल से शुरू काम कर दिया है पहले से।